आज मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, ये हम बोलेंगे थोड़ा सा दिखाने के लिए, कौन सा स्कूल है ये? राजा राम सिंह संस्कृत प्राथमिक उच्च विद्यालय है, बिक्रमगंज सिकरिया अंचल बिक्रमगंज में है। इसका हम हाल आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए व्यवस्था यहाँ पे, ये देखिए इसका हाल हम दिखाते हैं। यहाँ पे बिजली का समुचित व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पे चुनाव आयोग दवा ठोकती रहती है कि हम चुनाव जो है यहाँ पे, ये दिखाइए यहाँ पे जो भी ऑफिसर लोग, थोड़ा सा इधर दिखाइए गए लोग, यहाँ पे देखिए कैसे ये लोग रात भर रुकेंगे नाइट में। एक तो लाइट नहीं है, दूसरी चीज कहीं समुचित व्यवस्था हमको देखने को नहीं मिल रहा है। और इनसे जब पूछा गया कि ब्यूरो का नंबर लग रहा है तो ये बता रहे कि नहीं लग रहा है। आइए ठीक है, थोड़ा सा ये हाल दिखाएंगे, देखिए किस स्थिति में है। रात में यहाँ सोतेंगे, इधर से सर्प चढ़ जाएगा इस पर। ये देखिए थोड़ा सा दिखा रहा है, ये थोड़ा सा दिखा दीजिए, छत नहीं, छत नहीं, देखिए ये देखिए स्थिति इसी स्कूल में। और आई और ये सब गेट नहीं, जो कर्मी है इनको ये देखिए यहाँ पे बैठे हुए, देखिए ये सब किस हालत में ये रात गुजारेंगे। देखिए पीड़ा, देखिए पूरा मेंढक भरा हुआ, ये देख लीजिए यहाँ पे, खिड़की नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए ये लोग किस प्रकार आज रात गुजारेंगे। कोई खिड़की नहीं है, क्या बोला जाए। विक्रमगंज प्रखंड में ये स्कूल आता है, राजा राम सिंह संस्कृत प्राथमिक विद्यालय जो है, इसका ये हालत है। यहाँ पे मतदान कर्मियों को हम दिखा रहे हैं, देखिए किस प्रकार के बैठ के यहाँ पे रात गुजारेंगे। और बीएलओ का नंबर यहाँ पे जो है लिखा हुआ वो लग नहीं रहा है, और चुनाव आयोग लगातार दावा कर रही है ये अंतिम चरण का ये चुनाव लोकसभा का। इधर भी दिखाइए थोड़ा सा स्कूल का हाल, देखिए कोई व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है, देख लीजिए।